तो मेरे ध्यान में हम लोग सूरत पहुंच गए। तो लड़की पक्का ब्लॉगर बनेगी। सूरत स्टेशन पहुंच गए और ये ट्रेन थी और ये ट्रेन जाने वाली है कुछ देर में। ट्रेन है, ये मेरी बीवी है और ये दूसरी बीवी है। तो फिर क्या बोलेंगे सबको? गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सबको बोल दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पतिदेव किसी का रॉन्ग नंबर आ गया था तो बात कर रहे हैं, तो हम शूट कर रहे थे और इनका खूब मजाक ले रहे थे, इनके बोलने का स्टाइल। और जिया सास मतलब उनके पति दोनों इतना हंस रहे थे इनकी बातों को सुन करके कि अमित भैया कितना मजाक से किसी से बात कर लेते हैं। जिया का पीठ पकड़ के हंस रही हैं। मेरे पति तो ऐसे हैं ही कि वो ऐसे बात ही करते हैं कि लोगों को हंसी आ जाती है। एक टोन मारते थे और इन लोगों को हंसे। वो पता नहीं कहाँ से रॉन्ग नंबर आ गया था और उसी में ये उसको लपेट लिए, ले मजाक पे मजाक, उसकी तो धज्जी उड़ा दी है। आप लोग देखिए क्या रिएक्शन रहता है इन लोगों का। ऐसा लग रहा है कि मेरे पति तो उसको बहुत काफ़ी दिन से जानते थे कि इतना उसे एकदम घुल मिल के बात कर रहे थे। मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि बहुत हंसी आ रही थी। दोस्तों ये सूरत का स्टेशन है, आप लोग देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग है, ये सूरत लिखा है। अच्छा सूरत लिखा है, कहाँ लिखा? सूरत मतलब एक सुंदर वाला सूरत। और जिया जी देखिए रेडी हो चुकी हैं। सही बात है, जो सूरत नहीं आए तो कम स्टेशन देख करके अपने मन को बहला लें। और हमें पता नहीं कि होटल कहाँ है तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे स्टे होते हैं। आज अगर कुछ घूमने का जगह रहेगा तो हम सूरत में आज घूम लेंगे, है ना जी? हाँ जी, आज सूरत घूमते हैं। ये लोग अपना बैग संभाल रहे हैं। जी आज छोटा सा बैग में तो कैमरा लेकर चल रही हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। होटल जाने की तैयारी हो रही है। अभी रोड इतना देर तक स्टेशन पे थे, उसके बाद अब हम लोग ये देखिए कैसे बैठे हम लोग। इतना नहीं दिखाई पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि डंडा पड़ेगा, पुलिस मारेगा, इसके लिए फिर बैठ जाएंगे। भाई साहब हम लोग चल दिए जल्दी में। हाँ भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पुलिस डंडा मारती है, जल्दी चलो। अमित भाई जैसे बैठ गए, देख सकते हैं बहुत ही कम्फर्टेबल जोन में हूँ मैं। हल्दी बल्दी मार के कैसे उतरूंगा, मुझे उसकी टेंशन है। सामान जैसे हमने तो ये हमारा रहा होटल और ये रही हमारी बहन, ये रहे हमारे बहन की ये रहे हमारे पति और सारे बोल खा रहे हैं ये। तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए। बहुत घूम लिए हैं दोस्तों, हम लोग रूम पर आ गए हैं और ये देखिए कैसे लेट रहे हैं, बिल्कुल थक से गए हैं। तो एकदम राजा बाबू की तरह एकदम चहल पहल मचा रहे हैं। और बगल रूम में जिया सास पार्टी हो रही है और यहाँ पे टीवी भी चल रहा है। हम दो लोग के लिए बहुत काफी है ये रूम न जी। और हमें क्या करना ही क्या है? हमें करना ही क्या है, सही बात है। ये देखिए मिली की आया ने दिखाया ना करो मेरी मम्मी, लाइक नहीं करती मेरे पीछे आया ना करो। ये देवी आर यू रेडी करने के हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पूरी व्यवस्था मैचिंग पहन रखे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं, गाड़ी आ रही है। दोस्तों आपको सबको पता है, मैं सोची कोई VIP गाड़ी आ रहा है हम लोगों को लेने के लिए। बहुत अच्छा ये भी है गाड़ी, लेकिन अच्छा लगा मुझे, एक तो सरप्राइज की तरह ये भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर बैठ कर दिखाया जाता है साड़ी। मैं सोची मेरे को खड़े होकर भी दिखाएंगे कि आप खड़े हो सकते। हाँ मैं सोची काउंटर पे जा करके, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में तो ये बड़ा ही शहर है मान लीजिए, तो मैं सोची ऐसा कुछ होगा। लेकिन देखिए ये अपना औजार लेकर के तैयार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी साड़ी की दुकान है, बहुत बड़ी। इतना कौन साड़ी पहनता है? ये अच्छी साड़ी एक मिल जाए तो मैं अभी ले लूं। अच्छा, इनका बर्थडे आने वाला है। वाह सही है। देख लो, अगर कोई अच्छा लगे ले लेना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हम जूस पीने जा रहे हैं, अभी गन्ने का है। तो हमारा ये था समाज को लाइए तो या हम लोगों ने गन्ने का जूस जो है दिल्ली वगैरह के इलाकों में रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा गन्ने का जूस बहुत पसंद होता है, पी ले रहे हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है टीचर ब्लॉग्स के चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। नहीं तब से आए, तब से घूम ही रहे। देखिए जिया जी को ये दिख रहे गोवा वाले बीच में, कपड़े वही पहन के, और मेरे पति देव तो वही कपड़े पहन के गोवा वाले बीच पे बेबी आके मीच के ठंडी ठंडी पियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो 10-20 करोड़ लाइक दे देना, ठीक है। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? इन लोगों का कब, हम लोग कब से रेडी होकर खड़े हैं, हम लोग का खत्म ही नहीं हो रहा है मेकअप। सही कह रही हैं, अब हमको चलना पड़ेगा। चले निकले जी। ये देखिए हमारा रूम है, जहाँ पे पिछले ये हमारा रूम है, और ये हम लोग दो रूम से एग्जिट हो गए हैं। एक ईप का रूम देखिए, कोई है? कौन निकला? चलिए अब मास्क नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रहा है, मेन टाइम मास्क ही नहीं मिल रहा है। चलिए हम चलते हैं। गोरी मैया जैसी रही है शिव जी की रही ऐसी रंग जाए, टूटी सी रात टूटी। वाह ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, गजब का लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये पीछे सारी सवारी आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। आगे चलना है, दोस्तों बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा मोटे हो गए। देखिए जिया सासू लोग हमसे मिले हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि हम बहुत मोटे हैं, लेकिन नहीं है मोटे, हम नहीं है। बस मुझे लगता, सब लोगों को लगता है, लेकिन है नहीं हम। दोस्तों सुनो मेरी बात ध्यान से, खड़े होना, दोनों लोग खड़े होना। आप सबको पता है एक आज हम लोग का सुबह से लग कितना खराब गया, इतना खराब गया कि हम आप सबको बता नहीं सकते। बहुत बढ़िया वो आएगा, कितना तुम। और इसके बाद मैं बता नहीं सकती कि एक बीच जाने के लिए वहाँ बंद, यहाँ आए यहाँ बंद। अब हम लोग क्या कर देख रहे हैं, रोड पे ऐसे घूम रहे हैं। इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। जहाँ मुझे सुबह के हम लोग का जो प्लानिंग था वो भी कैंसिल हो गया। अब क्या बताए हम आपको, क्या बताएं। अब देखिए यहाँ फोटो शूट चल रहा है, पति देव खींच रहे हैं। तो दोस्तों सब लोगों ने चाय पी लिया, पाव खा लिया, और ये पाव और चाय पीने वाला वीडियो सासुर भाई के और अमित किट्टू जायसवाल के चैनल पे आएगा। तो हमने वीडियो शूट नहीं किया, सब लोग कर रहे, तो मैं बोली मैं क्या करूँ करके यार। आज चाय पी लिया हम लोग, एक के साथ एक तो फ्री करना चाहिए था, लेकिन ये भैया लोग बड़े कंजूस हैं। आप लोग देख सकते हैं लोगों को, आप लोग आओगे यूट्यूब पर, चिंता मत करो, आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पर आएंगे आप लोग। दोस्तों आ गए हम डिनर पे खाना खाने, ठीक है। उसके बाद हमने, हमको बहुत सादा खाना खाने का मन कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल सा खाना हम लोग ऑर्डर करें और सिंपल सा खाना खाएं। तो जिया जी बहुत ज़्यादा भूखी है, क्योंकि आप लोग इनके शरीर को देख कर भी पहचान सकते हैं कि कितना खाती कितना नहीं खाती है। बिल्कुल जी, कितना खाते हैं शरीर के हिसाब से लोग समझ जाए। ऐसा नहीं है, शरीर के हिसाब से ज़्यादा खाते नहीं, बहुत कम खाती हैं। जाकर के 10 बार बोलो तब जाके एक बार में खाते हैं। इनको खांसी थोड़ा सा आ गया है और जुकाम भी पकड़ लिया है, तो खांसी हो रहा है बहुत ज्यादा, सूखा खांसी कोरोना का लक्षण। वो भाई दोस्तों बच के रहो। मैं इतनी सीवरे में क्या करूँ पानी में। आपको पता है सचिन जी कैसे मोबाइल पकड़ते हैं, कैसे करेंगे तुरंत ऐसे चले जाएंगे, फिर ऐसे हाँ भाई साहब पकड़ कैसे करते हैं। तो ये छाछ है, छाछ मेरे को बहुत पसंद है। मैं आपको बता देती हूँ कि छाछ मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं छाछ लेके बताती हूँ यहाँ अल्टीमेट, छाछ तो बहुत अल्टीमेट है। सबको पता होना चाहिए कि हम खाने पीने में नंबर 1 है, खाने पीने में शर्म नहीं करते हैं। खाएंगे तभी तो बोल पाएंगे, इतना ना बोल पाएंगे। हमारा खाना भी आ गया है। अब हम लोग खाने पे खाएंगे तो बताएंगे। ये कोई सब्जी होगा मुझे नहीं बात नहीं, हंसने वाला काम है तो हंसें। वो आंटी बहुत हंस रही है, कैसे वीडियो कैसा वीडियो है।